नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के धनबाद जिला कांग्रेस महासचिव ने महामाया मंदिर में महाप्रसाद का किया आयोजन। डॉक्टर संतोष कुमार राय ने महामाया मंदिर में किया महाप्रसाद आयोजन। निरसा विधानसभा क्षेत्र के महामाया मंदिर परिसर में कांग्रेस पार्टी के धनबाद जिला महासचिव डॉक्टर संतोष कुमार राय ने चैती अमावस्या के दिन महामाया मंदिर में संपूर्ण परिवार के साथ पूजा अर्चना की तथा महाप्रसाद का भी आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्त लोग महाप्रसाद को ग्रहण करने पहुँचे एवं कांग्रेस पार्टी के जिला वरीय उपाध्यक्ष सह निरसा विधानसभा प्रभारी वकील बावरी भी पहुंचे। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार के अधिकारी गण एवं सदस्य लोग इस महाप्रसाद को ग्रहण करने पहुंचे। वहीं संतोष कुमार राय ने बताया कि महामाया मंदिर स्थान एक शक्ति धाम है, यहां पर आकर मन को सुकून एवं शांति मिलती है तथा ये भी बोले कि अगर आने वाले समय हमारी सरकार बनती है तो यह महामाया मंदिर की जगह को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करवाने का काम करेगी। मौके पर उपस्थित संतोष कुमार राय, वकील बावरी प्रभारी दीपक मिश्रा, रामपति शर्मा, राहुल पांडे, रवि शर्मा, कुणाल बैक्स, दिनेश कुमार, राजीव झा, टुनटुन शर्मा, रजनीश शर्मा, प्रणव सेन गुप्ता, तपेश्वर चौहान, श्री रामजी चौहान, महेंद्र साहनी, विजय भुया संग सैकड़ों भक्त मौजूद रहे। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। आज माँ के पास 20 साल से माँ का झाड़ू बहार हम ही करते हैं। हमारा नाम रामपति शर्मा है। 4 बजे से रात 8 बजे तक माँ का सेवाई में हम लगे रहते हैं। अभी रिसेंट हमारे जिला के जो महासचिव है संतोष कुमार राय और हमारे जिला के जो उपाध्यक्ष है वकील बावरी, इन लोगों का निर्देश में हम कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए और जब तक मेरा सांस रहेगा हम माँ महामाया का सेवा करते रहेंगे। और हम ही ने इन लोगों को आवेदन किए कि माँ हमारे बहुत जागृत माँ है, इस माँ को जगाना है और ये माँ जगेगा तो हमारे निरसा जगेगा, ये माँ जगेगा तो हमारा निरसा का विकास होगा और ये माँ जगेगा तो हमारा डॉक्टर संतोष राय जगेंगे, हमारा वकील बावरी जगेंगे और हमारे निरसा का जनता जगेंगे। हम माँ का यही निवेदन करते हैं। हमारे पांडे जी जो हैं मानवाधिकार की नाम तो बोलो भूलिए, हमारे राहुल लड़का महामाया का अपना तत्पर रहते हैं, माँ का देखभाल करते हैं, यहाँ कमेटी का वही मेन है और हम लोग चाहते हैं कि जब तक सांस रहेगा माँ का सेवा करेंगे, माँ का विकास करेंगे, यहाँ जागृत करेंगे, हम लोग जगा के छोड़ेंगे। बोलो बोलो महामाया माँ की जय। बोलो बोलो महामाया माँ की जय। आज यहाँ पहुँच के हमें बहुत ही खुशी हो रही है। आप पत्रकार बंधु को भी धन्यवाद देते हैं कि आप लोग भी आके इसमें भाग लिए हैं और मानवाधिकार के भी सभी साथी लोग आए हुए हैं। मेरा पार्टी का भी आदमी, मेरा महासचिव जिला के संतोष राय जी ने मुझे बुलाया है और हमारे अभी साथी हैं जो कांग्रेस में ज्वाइन किए हैं रामपति शर्मा जी, मैं इन लोग सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे बुलाया और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि महामाया मंदिर में आके आज हम प्रसाद ग्रहण करेंगे और माँ का आशीर्वाद भी लेंगे। बहुत अच्छा रमणीक जगह है, माँ विराजमान है और मैं इस तरह का मौका प्रत्येक साल जब होगा मैं आके प्रसाद खाने जरूर आऊँगा माँ का आशीर्वाद लेने के लिए। धन्यवाद। क्या प्रोग्राम है महामाया मंदिर में? आज अमावस्या का शुभ मुहूर्त होने की वजह से हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ का हमारा जितना भी कमेटी के सदस्य हैं और हमारे जो भी सामाजिक कार्यकर्ता और पार्टी के हमारे लोग हैं, सब हम लोग बैठ कर के ये निर्णय लिए कि अमावस्या के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ महामाया मंदिर में खिचड़ी महाप्रसाद का वितरण किया जाए। उसी को देखते हुए आज हम लोग यहाँ पर ये प्रायोजन किए थे और जिसमें करीब
700-800 लोगों का यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करने का ये अवसर प्राप्त हुआ। यही उसी को लेकर के आज हम यहाँ प्रसाद वितरण कर रहे थे। इसमें निरसा के तमाम जनता के साथ जो भी हमारे कार्यकर्ता बंधु थे सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया इसमें।